हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज काइनेमैटिक्स का अगला वीडियो अगला टॉपिक लेकर के आया हूं। इससे पहले भी हम लोगों ने काइनेमैटिक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा जाना और समझा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसको कहते हैं, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, इस वेक्टर को एक और नाम दिया गया है क्या, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और इसको अच्छे से करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 11th क्लास में बहुत सारा वीडियो जो है यूनिट 1 का यूनिट 2 का मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, आप लोग चाहोगे तो वहाँ पर जा करके देख सकते हो। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है, और आप लोगों को आई होप समझ में आएगा। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, जीरो वेक्टर किसको कहेंगे, जिसमें जीरो मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। जीरो मैग्नीट्यूड कहने का क्या मतलब है, मान लिया जाए यहाँ पर एक जीरो लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको इनटू करते हैं और कोई वेक्टर हम लोग लेते हैं ए वेक्टर, ठीक है। तो जीरो को हम किसी भी चीज़ से गुना करें या भागा करें तो हमको क्या मिलता है, जीरो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल ये हो गया, जीरो वेक्टर किसको कहेंगे, जिसमें क्या होगा, जीरो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा, इसको हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर भी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या है, मान लिया जाए यहाँ पर ए वेक्टर हम लोग ले लिए, यहाँ प्लस और माइनस ए वेक्टर, तो भी आपका मिलकर क्या होगा, जब ए वेक्टर को, अब देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पर नहीं तोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए ए वेक्टर, अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर ए। जब ए को ए के साथ घटाएंगे तो आपका कितना बनेगा, जब ए को ए के साथ घटाएंगे तो आपका जीरो वेक्टर, मतलब जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा वेक्टर, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद और भी आपको एक बार समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन निकाल के हेडिंग लिख लो, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को बहुत बार ये पूछा गया है और आप लोगों को जानना भी चाहिए। वैसा वेक्टर जिसमें जीरो मैग्नीट्यूड हो और उसमें आर्बिट्री डायरेक्शन हो। आर्बिट्री डायरेक्शन क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम जानेंगे, पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज दैट वेक्टर which has zero magnitude and arbitrary direction, जिसमें zero vector के साथ क्या होगा, आर्बिट्री डायरेक्शन होगा। आर्बिट्री डायरेक्शन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग भी समझेंगे। अ जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो और इसके ऊपर में एरो, मतलब वेक्टर, ठीक है। इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पर लिख लोगे पहला नंबर कि यहाँ पर जब ए वेक्टर हो, ठीक है, जब ए वेक्टर हो आपका, या तो फिर ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं जीरो, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जीरो वेक्टर लेते हैं, इसको इनटू करते हैं, तो यहाँ पर ए वेक्टर लेते हैं, ठीक है। जीरो को किसी से इनटू करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, जीरो वेक्टर, ठीक है। किसी भी चीज़ से जीरो करेंगे तो उसका क्या होगा, जीरो को किसी से गुना करें तो जीरो होगा, ठीक है। पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं ए प्लस माइनस, इसको भी करेंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि प्लस माइनस और प्लस क्या होता है आपका, माइनस, तो ए में से ए घटाएंगे तो जीरो वेक्टर, ठीक है। या फिर और भी एग्जाम्पल आप लोग थर्ड एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पर माइनस ए है प्लस ए, इस तरह से आप लोग ले सकते हो, इसका भी क्या होगा आपका, जीरो वेक्टर, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हो गया। तो जीरो वेक्टर किसको कहेंगे, नल वेक्टर किसको कहेंगे, इट इज दैट वेक्टर विच हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, एंड आर्बिट्री डायरेक्शन। देखिए आर्बिट्री डायरेक्शन किसको कहते हैं, ठीक है,
आर्बिट्री डायरेक्शन में क्या होगा, ये मनचाहा डायरेक्शन होता है। जैसे कि एक पागल आदमी को आप लोग देखते होगा कि जो मन करता है वो अपना वो करता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, या कोई उसको समझा नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। ये भी इस तरह से ये भी क्या होता है, जीरो वेक्टर भी एक इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। इसके कारण ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कभी भी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कभी किसी भी तरह से ये मूव कर सकता है। इसको बोलते हैं मनचाहा मोशन करना, या फिर मनचाहा अपना डायरेक्शन में चेंज करना। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, इजिली मोशन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्बिट्री डायरेक्शन। ठीक है, ये क्लियर हो गया आर्बिट्री डायरेक्शन किसको कहते हैं, तो ये मनचाहा होता है। ठीक है, आज जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर में वेक्टर लगा के इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, इसको हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो इसका एग्जांपल आप लोगों के सामने है। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, आप लोग चाहोगे तो देख सकते हो, या फिर कोई भी और दिक्कत हो तो मैं डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। मेरे जो व्हाट्सअप का लिंक है आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी डॉट हो, कोई भी क्वेश्चंस में डॉट हो तो आप लोग डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये जीरो वेक्टर नल वेक्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए एक आप लोगों को शायरी सुनाने जा रहे हैं। ठीक है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है।